हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड इन दिस लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस के अंदर हम जो भी वर्ड्स आते हैं वो सब आज हम डिस्कस कर लेंगे। आइए देख लेते हैं, हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम सेक्शन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास डेफिनेशन है। आइए देखते हैं डेफिनेशंस। इन दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जहाँ भी एक्ट वर्ड आ जाए पूरे इस इंक्रोचमेंट एक्ट के अंदर, अगर कहीं भी और इंक्रोचमेंट एक्ट और इसके रूल्स के अंदर कहीं भी आ जाए वर्ल्ड एक्ट, तो इसका मतलब है, पूरा मतलब आप समझेंगे, द सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 2010। यहाँ तक बात क्लियर है। इस एक्ट के तहत या इस एक्ट के अंदर अनलेस देर इज एनी थिंग रिप्यूगनेंट, जब तक कोई मुखालफत ना आ जाए, जब तक इसकी कोई वायोलेशंस ना हो, ठीक है, इन दिस सब्जेक्ट आ कॉन्टेक्स्ट और इस सब्जेक्ट और इसके कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है, तो फिर ये जो भी वर्ड्स हैं इसकी मीनिंग एज इट वही समझी जाएगी जो कि यहाँ पर बताई गई है। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए फर्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं, अबेटमेंट। अब अबेटमेंट क्या है, आपने PPC के अंदर सेक्शंस देखा होगा 107 कि अबेटमेंट क्या है, अबेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, जब कोई एक इंसान कोई जुर्म करता है और उसकी आके हेल्प करता है, उसकी अबेट करता है, उसको अबेट करता है, तो फिर वो अबेट माना जाएगा, ठीक है। और PPC के अंदर 107 के अंदर जो भी डेफिनेशन बताई गई है वही डेफिनेशन यहाँ पर समझी जाएगी। ये बात क्लियर है, ठीक है, वो हो गया अबेटमेंट। और अबेटर मीन्स जो भी अबेटमेंट करने वाला है वो अबेटर है। आधी बात समझिए, अबेटमेंट एक ऑफेंस है और जो भी अबेटमेंट करता है वो अबेटर कहलाएगा। वो सेक्शंस 108 के अंदर बताएगा, ये बताएगा 107 PPC, ठीक है, और ये बताया गया 108 PPC। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, आप देख लेना। अबेटर मीन्स मदद करने वाला। अब अबेटमेंट मीन्स कोई ऐसा ऑफेंस जहाँ पर कोई जो मैन मुजरिम है वो ऑफेंस कर रहा है मगर उसकी कोई हेल्प कर रहा है, वो फिर अबेटमेंट ऑफेंस हो गया। मीन्स किसी की मदद करना, किसी को खुशी देना, किसी को हमारे पास क्या करना, किसी को किसी के खिलाफ उकसाना, ये सब अबेटमेंट के अंदर आ जाता है और वो ऑफेंस करने वाला अबेटर कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हो गया हमारे पास सेक्शन बी, हमारे पास सब सेक्शन बी। अब सी में कहता है एक्ट। एक्ट क्या है, एक्ट हमारे पास ये एक्ट आ जाएगा पूरा, द सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट एक्ट 2010। एक्ट का मतलब क्या है, इंक्रोचमेंट एक्ट, ठीक है। और नंबर डी पर बताया गया ऑटोनोमस बॉडी। अब ऑटोनोमस बॉडी क्या होती है, मीन्स जो खुद मुख्तियार इदारे वगैरह होते हैं उसको कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी। आइए इसकी बेरिडिंग में कर लेता हूँ। मीन्स अ बोर्ड, कॉरपोरेशन, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी और बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाई गवर्नमेंट आर बाय अंडर लॉ विथ द एड होली आर पार्टली ऑफ द रिवेन्यूज ऑफ द प्रोविंस। अब ऑटोनोमस बॉडी मीन्स खुद मुख्तियार ऐसा इरादा जो कि एक गवर्नमेंट ने हमारे पास इस्टेब्लिश किया हो या फिर गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में हो। आधी बात समझें, जिसकी फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी जो जो मुकम्मल तौर पर उसका जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट को जाता हो या फिर कुछ रेवेन्यू उनका गवर्नमेंट को जाता हो, जैसा कि हमारे पास सेमी जो इदारे होते हैं, मीन्स कुछ गवर्नमेंट के कुछ प्राइवेट के, वो भी हमारे पास क्या माने जाएंगे, वो ऑटोनोमस बॉडी माने जाएंगे। अब यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल वो है कि हमारे पास सेमी इदारे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर PPHI क्या है, यहाँ पर हमारे पास PPHI ये जो है ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। आगे बात समझ में, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं, डी हो गया, उसके बाद चले जाते हैं ई पर, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग मीन्स अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ एंड इंक्लूड्स प्लिंथ। अब बिल्डिंग में मीन्स वो सब चीज़ें आ जाती हैं, वो हिस्से और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है। प्लिंथ मीन्स एन आर्किटेक्चरल सपोर्ट, मीन्स हम सिंधी में कहते हैं ना, अगर सिंध में रहने वाले अगर समझते होंगे तो सिंधी में एक थला बनता है घर के आंगन में, जो चीज़ घर के बाहर या कहीं भी अगर कुछ हमारे पास से थोड़ा सा ऊपर करके दिक्का बनाकर अगर बना दिया जाए तो उसको हम कहते हैं प्लिंथ, मीन्स दिक्का बना देना। आरी बात समझ। उसके बाद वाल, वाल भी एक हमारे पास बिल्डिंग है। बिल्डिंग अगर कहीं पर प्लिंथ बना हुआ है, मीन्स थला बना हुआ है, तो फिर वो भी बिल्डिंग कहलाएगा, ठीक है। स्टेप, अगर बिल्डिंग के बाहर
अगर स्टेप्स आ रही हैं, मीन्स सीढ़ियाँ आ रही हैं, स्टेयर्स आ रही है, स्टेप मीन्स हमारे पास स्टेयर्स, एक बार देख लें आप, स्टेप, स्टेप मीन्स स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। फॉर एग्जांपल अगर ये गली है हमारे पास, ठीक है, ये गली में ये बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, इस बिल्डिंग की सीढ़ी जो है वो गली के काफ़ी बाहर है और ये सीढ़ी इस बिल्डिंग का हिस्सा मान लिया जाएगा और ये है इसका स्टेप, ठीक है, तो फिर ये भी क्या हुई, बिल्डिंग हुई। आपने अक्सर देखा होगा गलियों में हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, आपने अक्सर नोट किया होगा गलियों के अंदर जो भी घर बनाता है वो कोशिश करता है कि वो मीन्स वो उतनी ही हमारे पास जो स्ट्रीट होती है ना गट्टी, उसको कोशिश करके वो अपने अंदर ले लेता है। अरी बात समझ में, हालांकि जो स्ट्रीट है उससे कम 3 फीट जो है आप छोड़कर अपनी दीवार बनाएं और अपनी सीढ़ी जो है उन 3 फीट के अंदर बनाएं ताकि स्ट्रीट जो है ना वो खुली रहे। मगर यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल जो उनकी बिल्डिंग बनेगी बिल्कुल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रीट है तो यहाँ पर ही बनेगी उसकी दीवार मेन गेट की, और उसकी सीढ़ी जो है ना वो स्ट्रीट पर आ जाएगी, तो फिर वो स्टेप भी वो बिल्डिंग का हिस्सा कहलाएंगे इसके मुताबिक, ठीक है। आज बात समझ में, उसके बाद प्लेटफार्म, अगर कोई प्लेटफार्म है किसी भी किस्म का, ऊपर अगर बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, किसी किस्म का प्लेटफार्म है, थला वगैरह बनाया गया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसा कि स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसका प्लेटफार्म है, अगर किसी भी चीज़ का प्लेटफार्म है तो फिर वो भी एक बिल्डिंग के अहाते में आ जाता है, बिल्डिंग के मीनिंग में आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमारे पास कवर्ड एरिया ऑफ एनी काइंड, अगर किसी भी किस्म का कोई भी एरिया कवर्ड है, जिसको छत वगैरह लगाई गई है या किसी भी तरह अगर कोई एरिया कवर्ड है तो फिर वो भी एक बिल्डिंग का हिस्सा है। टेंट, अगर कहीं पर कोई तंबू वगैरह लगा दिया गया है वो भी एक बिल्डिंग है, ठीक है। अगर झुग्गी, अगर कहीं पर कोई झोपड़ी वगैरह बनाई गई है तो फिर वो भी एक बिल्डिंग है। यहाँ तक बात क्लियर बेटा। उसके बाद चलते हैं इनक्लोजर्स, एंड इनक्लोजर मीन्स अहाताबंदी। अगर फॉर एग्जांपल ये इनक्लोजर क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास घर बना हुआ है, ठीक है, और ये इसका इनक्लोजर है, इनक्लोजर, ठीक है, ये इनका मीन्स जो दीवारी है, अब यहाँ पर मेन गेट है, अब ये क्या है, इनक्लोजर्स, पूरा घर तो इनका यहाँ पर बना हुआ है इतने एरिया में, बाकी ये क्या है, ये बाकी जो है ये इनका इनक्लोजर है, और इनक्लोजर्स क्या कहलाएगा, ये इनक्लोजर्स बिल्डिंग कहलाएगा, ठीक है। अगर कहीं भी आपने देखा होगा बड़े बड़े बंगले देखे होंगे बड़े बड़े लोगों के, तो फिर उसके अंदर घर जो है ना वो छोटे से मीन्स अहाते में बना होता है, बाकी सब जो है उसका इनक्लोजर होता है, मीन्स वहाँ पर अंदर पार्किंग वगैरह होती है और उसकी बड़ी सी चौदीवारी बनी होती है, तो फिर वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है ना वो उस बिल्डिंग का हिस्सा है और वो बिल्डिंग कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं ओ एंड एंड द लैंड अप्यूटनेंट देयर टू, और उसके अलावा जो भी लैंड्स इसकी मदद में है, इसकी इसके साथ में है, ठीक है, वो लैंड जो है वो भी उसकी बिल्डिंग का हिस्सा मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये चौदीवारी हो गई, ठीक है, यहाँ तक बिल्डिंग है और चौदीवारी पूरा ये बिल्डिंग है, मगर इसके अलावा इसने अपने चौदीवारी के बाहर इतना इतना हिस्सा जो है इन्होंने छोड़ा है, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर इन्होंने दरख्त वगैरह लगा दी है, पार्किंग वगैरह कर दी है, ठीक है, तो फिर ये भी हिस्सा इसका अप्यूटनेंट कहलाएगा और ये हिस्सा इसका इस बिल्डिंग का हिस्सा हो रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद चले जाते हैं एफ पर। एफ क्या बात करता है, एफ बात करता है बोर्ड। अब यहाँ पर बोर्ड क्या है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यहाँ बात क्लियर है, एक डिपार्टमेंट है हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं जी पर। जी क्या बात करता है, काउंसिल। अब काउंसिल वर्ड को समझने के लिए आप एक एक्ट छोटा सा है वो देख लेना, द सिंध लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस 2001, इसके अंदर जो भी मीनिंग इसकी बताई गई है वही सेम मीनिंग है यहाँ पर। आई बात समझ में। उसके बाद हम चले जाते हैं एच पर। एच बात करता है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कौन होगा, ठीक है, आइए देख लेते हैं। मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। अब इस एक्ट के लिए, इस एक्ट के मकसद के लिए या फिर इस एक्ट से हटकर
अगर किसी भी इंसान को, किसी भी शख्स को अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर, एक डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है, तो फिर वो डायरेक्टर कहलाएगा। यहाँ तक ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद चलते हैं डायरेक्टर जनरल, आई पर चलते, आई बात करता है डायरेक्टर जनरल मीन्स द सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड। अब जो बोर्ड जो है ना वो उसका सीनियर मेंबर होगा ना, वो डायरेक्टर जनरल कहलाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम इंक्रोचमेंट, वर्ड मेन जो आ गया अब हमारा इंक्रोचमेंट आ गया, वो आ गया जे में, आई के बाद जे, ठीक है, ये देख लेते हैं इंक्रोचमेंट क्या है। वर्ड इंक्रोचमेंट मीन्स अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन। अब अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन मीन्स जो अथोराइज्ड क्या होती है, अथोराइज्ड मीन्स किसी ने अथॉरिटी दे दी। फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, ठीक है, ये भी ये आपका घर है, ये आपका घर है जिस पर आपकी अथॉरिटी है, आपके पास क्या है इसका टाइटल है, मगर ये बी जो है ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और सी जो है सी किसी और के पास इसका टाइटल है। अब जो अथॉरिटी है आपके पास वो तो आपका है, मगर आप इन पर पोजीशन ऑक्यूपेशन या हमारे पास क्या करते हैं, आप इन पर ऑक्यूपेशन करते हैं, आप किसी किस्म की पोजीशन आप इस पर करते हैं जिसकी आपके पास अथॉरिटी नहीं है, मींस आप अनऑथोराइज्ड हैं, यू आर अनऑथोराइज्ड, आप इन पर अनऑथोराइज्ड, आपका इन पर कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आप इन पर अगर पोजीशन कर रहे हैं तो फिर वो क्या माना जाएगा, आप आर अनड्यू इंटरफेरेंस, या फिर आप इन पर नामुनासिब या फिर गैर कानूनी नाजायज़ अगर इन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं या फिर कब्जा करते हैं तो फिर वो क्या माना जाएगा, विथ पब्लिक प्रॉपर्टी, जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी हमारे पास गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, अगर उन पर कब्जा करना ये हमारे पास इंक्रोचमेंट माना जाएगा। सिंपल सी बात आप जहन में बिठा लें कि हमारे पास जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करना ये इंक्रोचमेंट में आ जाता है। क्लियर, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि इंक्रोचमेंट का क्या मतलब है। इंक्रोचमेंट का मतलब जो भी हमारे पास गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर गैर कानूनी तौर से कब्जा करने को इंक्रोचमेंट कहेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, इंक्रोचमेंट हो गया। उसके बाद चले जाते हैं के अंदर, के बात करता है फोर्स। अब फोर्स क्या है, के बात करता है फोर्स मींस द एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 17। अब जो हमारे पास 17 सेक्शंस हैं ना इस एक्ट के, इस एक्ट का जो 17 सेक्शन है उसके तहत जो इंक्रोचमेंट फोर्स बनती है ना, अगर इस एक्ट के तहत अगर कोई पर्सन रेमेडी अवाइल करता है और उसकी आर्डर हो जाता है किसी को रिमूव करने की, किसी इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए, तो फिर कौन सी फोर्स जाएगी वहाँ पर, वहाँ पर जाएगी इंक्रोचमेंट फोर्स जाएगी, जो पे स्पेशल फोर्स है इस एक्ट के लिए, इस मकसद के लिए, इंक्रोचमेंट हटाने के मकसद के लिए सिर्फ फोर्स बनाई गई है, वही फोर्स आ रही बात समझ में, उसी फोर्स की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद चले जाते हैं एल पर, एल बात करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मीन्स हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद चले जाते हैं एम में, एल एम, एम बात करता है लैंड, लैंड मीन्स, अब लैंड के अंदर इसकी डेफिनेशन आपने ध्यान से देखनी है, लैंड मीन्स द स्टेट एंड इट इंक्लूड्स बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। अब ज़मीन से क्या मतलब है, ज़मीन से मीन्स ज़मीन से जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है, जो भी उनसे प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी उनसे आउटपुट आ रहा है ना, वो आउटपुट और जो चीज़ें उनसे अटैच हैं वो सब कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक ज़मीन, इन पर क्या है, ये हमारे पास फसल उगाई हुई है, और फसल काटने के बाद जो भी इनका बेनिफिट होगा, ठीक है, ये भी एक लैंड है, बेनिफिट भी एक लैंड के अंदर आ जाएगा, और इस ज़मीन के अंदर फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी अटैच है, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर कोई मशीन वगैरह है, ठीक है, कोई भी मशीन है, ठीक है, तो फिर वो सब मशीन्स वगैरह क्या हैं, वो उस लैंड का हिस्सा है और वो लैंड माना जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है।
आर परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, या फिर कोई हम हमेशा के लिए अटैच कर दी गई हैं ज़मीन से, वो भी एक लैंड का हिस्सा है। कैसे, अगर कोई बिल्डिंग्स बनाई गई है हमारे पास ज़मीन के अंदर, या फिर कोई उताक वगैरह बैठक वगैरह बनाई गई है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा के लिए ज़मीन के अंदर हमारे पास ज़मीन के अंदर फिक्स है, तो फिर वो भी एक ज़मीन का हिस्सा है। आ रही बात समझ में, जहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं, एंड लैंड अंडर वाटर, और जो भी ज़मीन पानी के अंदर है वो भी लैंड कहलाएगी। और वेल, वेल मीन्स जो कौए वगैरह होते हैं ना ज़मीन के अंदर, फॉर एग्जांपल पानी के लिए अगर ये ज़मीन है, अगर ज़मीन के अंदर अगर खुदाई करके अगर कोई कौआ बना दिया गया है, ठीक है, जो भी अब जो भी हमारे पास इधर वेल बनाया गया है कुआं पानी वगैरह के लिए, तो फिर वो भी एक लैंड है। आ रही बात समझ में। और फुटपाथ, जो भी फुटपाथ हमारे पास बनाए जाते हैं ना, एक रोड, रोड पर ऊपर फुटपाथ जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, वो भी एक लैंड है। अब रोड जो है ना, मेन रोड या फिर हमारे पास साइड एरिया रोड, ठीक है, लिंक रोड, जो भी रोड हैं वो सब, वो भी लैंड है। ट्यूनल, ट्यूनल मीन्स टी यू, एक वर्ड आपने बड़े ध्यान से देखना है, टी यू डबल एन ई एल। अब ट्यूनल क्या होता है, एक होता है ट्यूनल और एक दूसरा होता है हमारे पास कल वर्ल्ड। दो वर्ल्ड हैं, एक है ट्यूनल और एक है कल वर्ल्ड। अब ट्यूनल क्या है, ट्यूनल मीन्स सुरंग, मीन्स एक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहाड़ होता है, एक जगह से एक तरफ से खुदाई करके दूसरी तरफ से निकाल देना, वो है सुरंग, ठीक है। और दूसरा है कलवर्ट, कलवर्ट मीन्स टोटली ऐसी कोई हमारे पास पाइपलाइन वगैरह जो कि टोटली इनक्लोज्ड हो, टोटली कवर्ड हो, दिख रही ना हो, तो फिर वो कलवर्ट है, वो भी लैंड के अंदर आ जाते हैं। और उसके अलावा नाला, जो भी नाला है मीन्स खुला हुआ है, गटर नाला है या फिर कोई भी नाला वगैरह है बनाया गया है, आज वो भी हमारे पास लैंड का हिस्सा है। और ब्रिज, जो भी पुल्स वगैरह हैं वो सब ब्रिज वगैरह क्या हैं, वो भी लैंड हैं। और स्ट्रीट, जो भी गिट्टियाँ वगैरह है ना, छोटी सी गिट्टी हो या फिर चाहे बड़ी सी गिट्टी हो, ठीक है, वो भी एक लैंड का हिस्सा है। यहाँ तक बात क्लियर है, हमारे पास लैंड क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं प्रिस्क्राइब्ड, अब वर्ड आ रहा है प्रिस्क्राइब्ड, एन, एन में आता है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जो भी रूल्स बनाए गए हैं ना, ठीक है, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड मीन्स वो रूल्स, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स वो रूल्स जो इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं। आ रही बात समझ में, जहाँ भी वर्ड प्रिस्क्राइब्ड आ जाए मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं ओ पर, ओ बात करता है पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, आइए देख लेते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स अ बिल्डिंग, ठीक है, एक बिल्डिंग या फिर लैंड, प्लेस आर प्रीमाइजेस वेस्टिंग। अब लैंड क्या है, मीन्स जो बिल्डिंग है वो, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स जो बिल्डिंग है वो, जो ज़मीन है वो, आर या फिर वो जगह या फिर वो अहाता, लैंड एंड बिल्डिंग ऑन प्रीमाइजेस मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग ऑन इट। और वेस्टिंग, अब वर्ड आ रहा है वेस्टिंग मीन्स प्रोवाइडिंग विथ द पावर्स एंड अथॉरिटी। अब वेस्टिंग वर्ड कह रहा है वेस्टिंग इन आर अंडर द मैनेजमेंट आर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब उनका जो पावर्स है ना, उनकी अथॉरिटी जो है ना, वो वेस्ट कर रही है कहाँ पर, गवर्नमेंट के कंट्रोल में या फिर गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में, ठीक है, मैनेजमेंट में साल संभाल गवर्नमेंट करती है। आ रही बात समझ में। लोकल काउंसिल, ऑटोनोमस बॉडी आर रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर सच अदर अथॉरिटी। अब पब्लिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी जगह हैं जो कि गवर्नमेंट के हमारे पास कंट्रोल या फिर गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में आती है ना, वो सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अब सेमी गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है वो भी एक हमारे पास गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हमारे पास पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब आप सिंपल एक जहन में रख लें, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ तक बात क्लियर है। और उसके बाद रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह जो भी हैं वो सब
पब्लिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत अगर किसी भी सोसाइटी को रजिस्टर कर लिया जाता है तो फिर वो सोसाइटी एक प्राइवेट सोसाइटी नहीं रहती, वो सोसाइटी एक गवर्नमेंट सोसाइटी बन जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है, आ रही बात समझ में। इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास डबल ओ पर, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, उसके बाद चले जाते हैं डबल ओ पर। डबल ओ बात करता है स्पेशल कोर्ट, ये हमारे पास मार्च के महीने में 2011 में बताया गया कि अगर ये जो इंक्रोचमेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास अगर ये इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत अगर कहाँ कहीं इसकी प्रोसीडिंग कहाँ चलेगी, पहले इसकी प्रोसीडिंग से ट्रिब्यूनल में चलेगी, ट्रिब्यूनल में। मगर डबल ओ एक और से डेफिनेशन दी गई स्पेशल कोर्ट की, अगर इंक्रोचमेंट के लिए मकसद के लिए अगर एमरजेंसी हो, किसी भी चीज़ को हटाने के लिए, किसी हमारे पास इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए एमरजेंसी हो, तो फिर वो स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी। आगे बात समझ में, स्पेशल कोर्ट्स कौन से सेक्शन के तहत बनाई जाएंगी, स्पेशल कोर्ट्स 25 सेक्शन के तहत बनाई जाएंगी, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुनासिब समझे तो फिर सेक्शन डबल ओ के तहत स्पेशल कोर्ट बना सकती है। अभी जो इन पर जो हमारे पास इस एक्ट के तहत जो रेमेडी हम अवेल कर रहे हैं, वो रेमेडी अवेल हम कर रहे हैं एक कोर्ट के अंदर नहीं, एक हमारे पास ट्रिब्यूनल बनाया गया है, वो ट्रिब्यूनल हमारे पास सेक्शन 12 के अंदर बनाया गया है और उसकी डेफिनेशन है पी के अंदर। पी के अंदर डेफिनेशन क्या है, ट्रिब्यूनल मतलब, ट्रिब्यूनल मीन्स वो हमारे पास मीन्स अ ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 12। ट्रिब्यूनल क्या है, मीन्स एक इदारा बनाया गया है, एक कोर्ट बनाई गई है, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई गई है अलग से, एक कोर्ट की तरह ही काम करेगी, कोर्ट की तरह ही उसका केस उसके अंदर केस चलेंगे, मगर वो ट्रिब्यूनल रहेगा। अरे बस मुझे वो सेक्शन 12 के तहत उसको क्या इस्टेब्लिश्ड किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है,